सत श्री अकाल जी सारे, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ओके। तो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब हम एक्सपोजर को बैलेंस करते हैं तो तीन पिलर्स फोटोग्राफी के जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं। पहला होता है हमारा शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। तो शटर स्पीड एंड अपर्चर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो जो लास्ट पिलर बचा है अभी ISO, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको किन किन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, व्हाट इज ISO, व्हाट इज बेस ISO, व्हाट इज नेटिव ISO एंड व्हाई यू शुड यूज इट, व्हाई नॉइज इज एडेड व्हेन वी इंक्रीज द ISO, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ISO एंड थ्री टिप्स ऑन हाउ यू कैन यूज ISO फॉर योर ओन बेनिफिट। सो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ISO। बेसिकली आप कहीं भी सर्च करोगे ISO के बारे में तो पहला सेंटेंस जो होता है वो यही होता है कि इट इज सेंसिटिविटी ऑफ कैमरा, कि आपका कैमरा लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है वो हमारी होती है ISO, विच इज हाफ ट्रू। लेकिन रियली क्या होता है कि जब हम कोई फोटो खींचते हैं तो जो लाइट हमारे सेंसर पे फॉल करती है तो हमारे कैमरा का जो सेंसर होता है एंड प्रोसेसर होता है वो उस इमेज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेसिंग के दौरान हम कितनी एम्पलीफिकेशन देते हैं उस सिग्नल को, दैट इज हमारा ISO। जितना कम नंबर होगा उतनी कम एम्पलीफिकेशन हमने दी उस सिग्नल को, और जितनी ज्यादा ISO हुआ उतनी हमने ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया उस सिग्नल को, दैट इज ISO। सो व्हाट इज बेस ISO, जब आपके कैमरा को सबसे कम एम्पलीफिकेशन करनी पड़ रही है, जैसा रॉ सिग्नल आया उसका मिनिमम एम्पलीफिकेशन के साथ जो उसने फाइनल इमेज प्रोड्यूस करी वो होता है हमारा बेस ISO। बेसिकली बेस ISO पे आपका कैमरा क्या करता है कि ज्यादा रेंज होती है, जो डायनेमिक रेंज वो कैप्चर करता है और ज्यादा कलर रेंज को कैप्चर कर पाता है। एम्पलीफिकेशन से डिस्टॉर्शन आनी है, जो नॉइस आनी है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगी। इफ यू कैन यूज इट, इट इज द बेस्ट ISO फॉर योर कैमरा। इसमें आपके कैमरा की सबसे ज्यादा पोटेंशियल अनलॉक होती है और सबसे ज्यादा आउटपुट अच्छा आपका कैमरे का आता है। इन नो वे दिस मीन्स कि आपने हमेशा बेस ISO यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल शाम का टाइम है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है एंड आपने कोई एक्शन फ्रीज करना है, आपको शटर स्पीड रेज करनी पड़ेगी, अपर्चर आपने लोएस्ट कर दिया, तो 100 ISO पे आपको बहुत डार्क इमेज मिलेगी और वही इमेज आपको फिर प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए आपको हाई ISO यूज करना पड़ेगा। सो इट इज गुड टू हैव अ इमेज विद हाई ISO और थोड़ी सी नॉइस रादर देन हैविंग नो इमेज एट ऑल। सो व्हाट इज नेटिव ISO? नेटिव ISO इन सिंपल वर्ड्स इज ट्रू ISO ऑफ योर कैमरा। हम ISO 100 से लेकर 6400 तक लेके जाते हैं, उसमें कैमरा की ट्रू कैपेबिलिटी यूज होती है, लेकिन उसके आगे अगर हम जब ISO बढ़ाते हैं उसमें वो डिटेल को, डायनेमिक रेंज को क्लिप कर देगा एंड आपकी इमेज को ब्राइटर कर देगा, लेकिन उसमें ट्रू कैपेबिलिटी नहीं यूज होती। इसमें मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कैमरा का नेटिव ISO फाइंड करें कि कितना है एंड उसी रेंज में आप शूट करें सीन को। ब्राइट आपको अगर फोटो चाहिए तो वो आप पोस्ट में आके अपने फोन से जाए एडिट करें तो सेम रिजल्ट मिलेगा, रेदर देन आप उसको अपने कैमरा में पहले एक बार फीड करके क्लिप कर दें एंड देन आप उसको रिकवर बैक ना कर पाए जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि हाई ISO यूज करने का, कि आपके सीन के अंदर ग्रेन आने लग जाता है और कलर नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती, कई बार डिस्ट्रैक्टिंग होती है वो। सेकंड हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है कि आपके जो कैमरा की डायनेमिक रेंज होती है, जैसे जैसे आप ISO बढ़ाते जाते हो तो वो कम होती जाती है, वो स्क्वीज होती जाती है, डार्केस्ट पार्ट और ब्राइटेस्ट पार्ट को कैप्चर करने की जो रेंज होती है वो कम हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या होती है हाई ISO यूज करने की, आपके कलर्स होते हैं उनका जो क्वालिटी होता है वो बहुत डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीजिंग ISO। डायनेमिक रेंज थी वो भी कम हो गई एंड जो हमारी कलर की रेंज थी वो भी कम हो गई, तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। सो अब बात करते हैं थ्री टिप्स या बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हाई ISO। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप फोटो लेते हैं एंड आप उसको लैपटॉप में आके देखें तो आप ग्रेन आया या कलर नॉइस इंट्रोड्यूस हुई है तो वो दिखेगी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब वो फोटो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो या कहीं पे पोस्ट करते हो तो वो कहां देखी जाती है, फोन पे, और फोन की स्क्रीन होती है छोटी, तो छोटी स्क्रीन पे वो कंप्रेस हो जाती है फोटो एंड उसकी जो नॉइस होती है वो इतनी विजिबल नहीं होती है। तो यू कैन इजीली गेट अवे विद यूजिंग हाई ISO इफ यू वांट टू पोस्ट दैट फोटो ऑन योर Instagram और सोशल मीडिया। तो सेकंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई ISO इज जो डिजिटल लुक है उसको कम कर सकते हो। पुराने कैमरास होते थे उसमें नेचुरली ग्रेन होती थी, नेचुरली नॉइस होती थी, हम इंटेंशनली भी हाई ISO को यूज कर सकते हैं जिससे हम नेचुरली ग्रेन ऐड कर पाएं और जो डिजिटल लुक है कैमरास की आजकल की उसको कम कर सकते हैं हम। थर्ड बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई ISO इज टू प्रोटेक्ट मोर डिटेल्स इन योर हाईलाइट्स। अगर आपने हाईलाइट्स में ज्यादा डिटेल्स कंजर्व करनी है तो हाई ISO यूज करो, अगर आपने शेडोज में ज़्यादा डिटेल्स रखनी है तो लो ISO करो वाइल यू आर शूटिंग अ वीडियो, ठीक है ना। फोटो में हमेशा लोएस्ट जितनी पॉसिबल हो उतनी ही यूज करनी चाहिए ISO। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं अब तक किया, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग नीचे कमेंट में बता दो, उस पर वीडियो बना देंगे। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ व्लॉग्स तो वो भी बता दो, बना देंगे। वैसे मोटिवेशन नहीं होती, कोई बोल दे तो बना देंगे यार, चलो और क्या।